Why do preachers speak more about that which is not mentioned in the New Testament and never speak about what is mentioned three times in the New Testament? ऐसा क्यों कि प्रचारक लोग उस घटना का जिसका नए नियम में वर्णन नहीं किया गया बहुत प्रचार करते परंतु उस घटना को जिसे तीन बार कहा गया बिल्कुल भी प्रचार नहीं करते हैं? Tell you why. मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा वे करते हैं। Their Bible properly. क्योंकि वे अपने पवित्र शास्त्र का बाइबल का ठीक से अध्ययन नहीं करते हैं। All preachers merely follow older preachers. जितने प्रचारक लोग हैं वो अपने से उम्र में बड़े प्रचारकों का अनुसरण करते हैं। That is the tragedy with the younger generation. और यही तो दुखद बात है इस छोटी पीढ़ी के साथ। In every younger generation in India, I have seen, even in other countries. और हर एक जवान पीढ़ी जिसे मैंने भारत देश में या विदेशों में देखा है, they just see what the older generation preachers are preaching. And they follow that. वे क्या करते हैं? वे बुजुर्गों की पीढ़ी को देखते हैं और वे जो प्रचार कर रहे हैं बुजुर्ग लोग उन्हीं को ये जवान पीढ़ी भी प्रचार करती है। जब मैं मसीही था, I decided not to follow any preacher. तो जब मैं जवान मसीही था तब मैंने निर्णय लिया कि मैं किसी प्रचारक का अनुसरण नहीं करूंगा। मैंने कहा कि मैं बाइबल का अध्ययन करूंगा। That is why I discovered so many things which most preachers never talk about. और इसीलिए तो मैंने उन बहुत सारी बातों को खोज निकाला जिसे बहुत सारे प्रचारक आज प्रचार नहीं करते हैं। And that is why I say to people, read your New Testament. इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि आप अपने नए नियम का गंभीरता से अध्ययन करें। Don't go to Bible school unless you want to go astray. और जब तक आप भटकना नहीं चाहते तब तक आप किसी बाइबल स्कूल में जाकर के दाखिला मत लें। I never went to Bible school and all the preachers who blessed me are people who never went to Bible. मैं कभी बाइबल स्कूल नहीं गया और जितने प्रचारकों ने मुझे आशीषित किया वे भी कभी बाइबल स्कूल नहीं गए हैं। If you want to follow Jesus, don't go to a Bible school. Read the scriptures and be filled with the Holy Spirit. यदि आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो आप कभी बाइबल स्कूल मत जाएं परंतु आप अपने वचन का अध्ययन करें और पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरें। Going to Bible college is just to get a job. और बाइबल कॉलेज लोग क्यों जाते हैं? ताकि वे एक नौकरी को प्राप्त करें। Get a degree certificate and get a job. ताकि उन्हें डिग्री मिल जाए और उस डिग्री के आधार पर उन्हें नौकरी मिले। Did Jesus send any of his disciples there? क्या यीशु मसीह ने अपने किसी चेलों को बाइबल कॉलेज भेजा था? No. नहीं भेजा था। So what I want to say is, इसलिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Younger generation people will study the scriptures. आप जो जवान पीढ़ी के लोग हैं आप वचन का अध्ययन करें यह मैं कह रहा हूँ। It is possible to know the scriptures. यह संभव है हम वचन को जान पाएं। In about 5 to 7 years. 5 से 7 वर्ष में हम जान सकते हैं। I studied the Bible seriously from the age of 21 to 26. 21 वर्ष की आयु से लेकर के 26 वर्ष की आयु तक मैंने वचन को गंभीरता से अध्ययन किया। While in the midst of a job. जब मैं नौकरी कर रहा था उसके मध्य में ही मैंने किया और मुझे बाइबल अच्छे रीति से कंठस्थ हो गया। मैं अपने अनुभव से जानता हूँ आपको वचन अध्ययन करने के लिए बाइबल स्कूल नहीं जाना है लेकिन आप उसे घर में ही अध्ययन कर सकते हैं। Must sacrifice many things if you want to study the scriptures and be filled with the Holy Spirit. और आपको बहुत सारी चीजों को बलिदान करना पड़ेगा, sacrifice करना पड़ेगा यदि आप वचन का अध्ययन करना चाहते हैं तो। You will have a very useful life. तभी आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी जीवन होगा। Jesus came to earth as a little baby. यीशु मसीह एक नन्हे बालक के रूप में पृथ्वी पे आया। He did not come with the knowledge of the Old Testament. Crammed inside his brain. वो पुराने नियम का ज्ञान लेकर के अपने दिमाग में नहीं आया जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं। There are many foolish people who think like that. और बहुत सारे मूर्ख लोग हैं जो इस रीति से समझते हैं। He was born like any other baby. वो बाकी सामान्य बच्चों के समान ही उसका जन्म हुआ। He had to learn to speak, learn to read and write. और उसे पढ़ना लिखना सीखना पड़ा धीरे धीरे। No baby knows one verse of the Bible when it is born. कोई भी बच्चा जब उसका जन्म होता है तो वो बाइबल का एक भी वचन उसे याद नहीं होता है। No baby knows a single verse of the Bible when it is born. किसी भी बच्चे को बाइबल का वचन याद नहीं होता है जब उसका जन्म होता है तब। Jesus was born like every other baby. और यीशु मसीह भी बाकी सामान्य बच्चों के समान उसका जन्म हुआ। He did not know a single verse of the Bible. उसे बाइबल का एक वचन भी नहीं पता था। Then how did he know the answers to everything by the age of 12. तो कैसे 12 वर्ष की आयु के आते तक वो हर एक प्रश्नों का उत्तर कैसे जान गया था यीशु मसीह? Maybe by the time he was 6 or 7, like 7-year-old children, they can understand. हो सकता है जैसे 6-7 साल के बच्चे जो समझने लायक हो जाते हैं। That means from the age of 7 to the age of 12, Jesus listened. That's how he knew the Bible. अर्थात 6 वर्ष की आयु से लेकर के 12 वर्ष की आयु तक यीशु मसीह वचन को सुनता और इस रीति से उसने सीख लिया। He didn't have a Bible at home. उसके घर में कोई बाइबल नहीं था। Nobody had a Bible at home in the first century. पहली शताब्दी में किसी के घर में भी बाइबल नहीं होती थी। There was no printing those days. उस समय छापा खाना प्रिंटिंग नहीं था। There was some handwritten Old Testaments in the synagogue, some
books were there. और उस समय हस्तलिखित पवित्र शास्त्र होते थे जो आराधनालयों में ही होते थे. You could listen to it when you went to your school or on the Sabbath day. और सबत के दिन जब आप आराधनालय जाते या विद्यालय जाते तब आप व्यवस्था को सुन सकते थे. That's how Jesus learned the scripture. और इसी रीति से यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र को सीखा. In 5 years. 5 साल में उसने सीखा. From the age of 7 to 12. He got the scripture. 7 वर्ष की आयु से लेकर के 12 वर्ष की आयु तक उसने वचन को कंठस्थ कर लिया, जान गया वो. That teaches me. वह मुझे एक बात सिखाता है. We can learn the scriptures in 5 years. कि हम वचन को 5 साल में सीख सकते हैं. Even if you don't have a Bible at home. यदि आपके घर में बाइबल नहीं है तब भी आप सीख सकते हो. Have a Bible at home. यदि आपके घर में आपके पास बाइबल है. Can you imagine how much quicker you can learn the Bible? तो आप सोच सकते हैं कि आप कितने जल्दी बाइबल को सीख सकते हैं. So why is it that so many Christians today don't know the scriptures? तो कारण क्या है कि आज बहुत सारे मसीही लोग को वचन नहीं आता है? There is only one reason. केवल एक ही कारण है. They are lazy. कि वे लोग आलसी हैं. The devil makes them interested in so many other things in which they waste their time. There is no need to read so many magazines and newspapers. और बहुत सारी पत्रिकाओं को और अखबारों को पढ़ने का कोई प्रयोजन नहीं है उनके जीवन में. You read what is minimum necessary to know what is happening in the world in the newspaper. और आप न्यूज़पेपर में केवल उतनी ही जानकारी को पढ़ो जो कम से कम होनी चाहिए. You don't need to spend so much time. और आपको बहुत ज्यादा समय इन सब चीजों में गंवाना नहीं है. People spend more time reading the newspaper and watching television than reading the Bible. और बहुत सारे लोग टीवी और न्यूज़पेपर में ज्यादा समय गंवाते हैं बजाय बाइबल पढ़ने के लिए. I want to encourage you, at least the younger people here, to change that priority in your life. और मैं जवान लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि अपने जीवन की प्राथमिकताओं को आज बदलिए करके. You can be a very useful servant of God when you grow up. और जब आप बड़े होंगे तब आप परमेश्वर के बहुत उपयोगी सेवक बन सकते हैं. But more than that, you will get to know God Himself, which is the main thing. और उससे बढ़कर के आप स्वयं परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पे जान जाएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है.